राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री, अरे किस किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है, मेरे पास सबूत है, उनको भी पैसा लौटा वो। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की उपजी कला का अंत हो गया है। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री तो वहीं डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई है। कहा जा रहा है लोकसभा 2024 चुनाव के बाद डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री का पद भी दिया जा सकता है। कर्नाटक के नाटक कहा जा सकता है, आला कमान पर्दा डालने में कामयाब रहा, मगर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है राजस्थान। राजस्थान में कर्नाटक जैसा विवाद 2018 में ही पनपा था और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश भी की थी, मगर बीते 4.5 सालों में कहानी बार बार बेपर्दा होती रही। हाल ही में सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 दिनों की अजमेर से जयपुर की यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने जमकर निशाना साधा। जयपुर में सभा के समापन के दौरान गहलोत सरकार के मंत्रियों ने तो अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाए। राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री, अरे किस किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है, मेरे पास सबूत है, उनको भी पैसा लौटा वो। आप हेमाराम जी जैसे पाक दामन आदमी पर दाग उठाते हो, मैं कहता हूं भरत सिंह जी कहां है, हेमाराम जी कहां है, अरे इस आदमी पर 100-100 करोड़ रुपए की जमीन 25-25 करोड़ रुपए लगा के, और मैं कहता हूं पायलट साहब राजस्थान में कहीं भी चले जाना, लाखों की संख्या में नौजवान खड़ा है और हमारे गहलोत साहब बोलते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सचिन पायलट ने भी समापन सभा में गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया, अगर 15 दिनों में मामले पर सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या होने वाला है। जनसंघर्ष यात्रा करी है, महीने के आखिर तक कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, गाड़ी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। सचिन पायलट और मंत्रियों की ओर से अपनी सरकार पर लगाए गए आरोपों के बीच एक ओर जहां गहलोत गुट के विधायकों ने मोर्चा संभाला है, वहीं कांग्रेस में अब विवाद को लेकर राय शुमारी का दौर शुरू हो गया है। पायलट की चेतावनी के बाद सह प्रभारी एक एक विधायकों का मन टटोलने में लग गए हैं। प्रदेश के 33 जिलों में कांग्रेस विधायकों से तीनों से ही सह प्रभारियों ने फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। वहीं प्रभारी रंधावा को लेकर कहा जा रहा है वो फिलहाल सचिन पायलट के मामले को लेकर अब कुछ नहीं कहना चाहते। इसकी वजह मानी जा रही है प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव। दरअसल सचिन पायलट को कांग्रेस ने 2024 में उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाया था जब कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। 2014 से लेकर 2018 तक अगर लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, पायलट खाते में कोई भी नाकामी नहीं रही। ऐसे इतनी तलखियों के बावजूद आलाकमान पायलट को लेकर कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहा। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि सचिन पायलट गहलोत पर इस बार 21 साबित होते दिख रहे हैं और उसकी वजह यह है उनका भ्रष्टाचार पर मुखर तरीके से आवाज उठाना। आपको बता दें कर्नाटक चुनाव में जहां कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, वहां उसको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आवाज उठाना बड़ी सफलता दिला गया। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है मगर भ्रष्टाचार का मामला काफी सरगर्मी से उठ रहा है और वो मामला उठा रहे हैं सचिन पायलट और गहलोत के वो मंत्री जिन्होंने कभी उनकी सरकार बचाने में मदद की थी।